हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर वायम खान एंड दिस इज़ ए पार्ट थ्री ऑफ आवर यूनिट नंबर वन, दैट इज़ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म ऑफ द सब्जेक्ट मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द मीनिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वॉट इज मीन बाय एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। And all the things that we are going to study will be studied with the help of some examples, or we are going to use these four definition in actual numericals. Okay. Now, before proceeding to our today's video, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. So let us begin. Atomic radius, which is represented by R for any crystal structure, it is defined as half of the distance between nearest neighbors in a crystal of an element. अगर एक crystal structure लिया जाए किसी element का, तो इसका atomic radius या किसी एक element का atomic radius जो है, इसको हम बोलते हैं, ये रहता है हाफ द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। जो सबसे नज़दीकी एटम्स रहेंगे, दो कोई भी एटम्स जो सबसे नज़दीक है, इन दोनों के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस बाय एज्यूमिंग द एटम्स आर स्पीयर। हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो एटम्स है, ये एटम्स क्या है, एक स्पीयर है, एक बॉल जैसे है। ओके, नाउ दिस स्पीयर हैज सम रेडियस। ओके, नाउ व्हेन एवर द टू एटम्स विच आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर एंड इफ दे आर कनेक्टेड बाय द बाय कनेक्टेड बाय अ लाइन फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ देयर लोकेशन, देन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड इफ दिस डिस्टेंस इज मेड हाफ, देन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस और दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। जो भी सबसे नज़दीकी एटम्स रहेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दें, तो हमको मिलता है हमारा एटॉमिक रेडियस। ओके, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको हमारा जो यूनिट सेल है या जो भी लैटिस है, इसके दूसरे पैरामीटर्स, मतलब जो साइड्स रहते हैं, हमारा क्यूब वगैरह होगा तो उसके साइड्स, अगर हेक्सागन होगा तो उसके भी जो साइड्स है वो हमको लगेंगे, तो ये सब पैरामीटर्स हमको रिक्वायर्ड है टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। ओके, देन सेकंड थिंग इज एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इट इज आल्सो नोन एज एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एवरेज नंबर ऑफ एटम्स है। अब हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। हमने यूनिट सेल देखा, यूनिट सेल में हमने सिंपल क्यूबिक देखा, तो सिंपल क्यूबिक में हमने स्टडी किया कि कॉर्नर एटम्स कितने रहते हैं, 8 रहते हैं, बट सेंटर में या फेस पे कोई भी एटम्स प्रेजेंट नहीं है। उसी तरीके से हमने स्टडी किया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके बॉडी में एक रहता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसके फेसेस पे 6 रहते हैं और कॉर्नर पर 8 रहते हैं, और हेक्सागोनल जिसके हेक्सागोनल फेसेस पर 6 6, टॉप के ऊपर, टॉप की फेस पे 6, बॉटम की फेस पे 6, सॉरी टॉप के हेक्सागोन के कॉर्नर पर 6, बॉटम के हेक्सागोन के कॉर्नर पर 6, टॉप के फेस पे 1, बॉटम के फेस पे 1 और इंटीरियर में 3, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। ओके, सो हमको कैलकुलेट करना है ये एवरेज नंबर में कितने हैं एक यूनिट सेल में। ओके, जब लैटिस बनेगा, जब यूनिट सेल क्या है, सिंगल यूनिट है, एक ही है, जब ये सिंगल यूनिट जुड़ते जाएंगे तो लैटिस बनाएंगे, स्पेस लैटिस फॉर्म करेंगे, तो इस स्पेस लैटिस में कितने एवरेज नंबर ऑफ एटम्स है ये हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो आफ्टर नोइंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज NAV। सो दिस इज नंबर ऑफ एवरेज एटम्स, और यू कैन यूज ओनली N ऑल्सो। Then the formula is NC by 8 plus NF by 2 plus NI by 1. Now NC here represent number of total number of
कॉर्नर एटम्स, द एटम्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ओके, इन अ यूनिट सेल. देन एन एफ रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ फेस एटम्स, द एटम्स प्रेजेंट ऑन द फेस इन अ यूनिट सेल, ओके, एंड द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन इंटेरियर और इन सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आई. ओके, नाउ दिस फॉर्मूला इज will be used to calculate the average number of atoms in a unit cell. Then this thing is very important for us. This is atomic packing factor, and it is written as APF most of the time. And crystallography is nothing but study of crystal structure. Okay, now in crystallography, atomic packing factor or packing efficiency or density of packing or packing fraction is nothing but the fraction of volume that is occupied by constituent particles in a unit cell. Okay, अगर मैं इसको simple language में बताऊँ तो APF जो है, atomic packing factor जो है, ये है fraction of volume. कितना volume एक atom या जो भी constituent particle है ये ऑक्यूपाई कर रहा है एक यूनिट सेल में. द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय एन एटम, एक एटम यूनिट सेल में कितनी जगह लेता है, ये है हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. ओके, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ये हमेशा यूनिटी से कम रहेगा. अब जितना ज़्यादा आपका एटॉमिक फैक्टर रहेगा उतना ज़्यादा जो आपका स्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा डेंस रहता है. ओके, इन एटॉमिक सिस्टम द कन्वेंशन द एपीएफ इज डिटरमाइंड बाय अज्यूमिंग दैट एटम्स आर रिजिड स्पीयर्स. जो एटम्स है ये हम रिजिड स्पीयर हैं ऐसा एज्यूम करते हैं. ओके, नाउ उसका जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज, इट इज़ वेरी सिंपल. इट्स वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो एटम्स पर यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम, ओके, इसको डिवाइड करना है आपके वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से. देखो, ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है ये कैसा फाइंड आउट कर रहे हैं. एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम एक एटम ऑक्यूपाई कर रहा है एक यूनिट सेल में. ओके, ये है हमारा पैकिंग फैक्टर. अब ये कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एटम. ओके, मतलब जो एटम है उसका वॉल्यूम कितना है एक्चुअल में, ये वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, ये हमारे एजम्पशन से मिलेगा कि जो एटम है वो क्या है, हमारा स्पीयर है. तो स्पीयर का जो 4/3πr³ फॉर्मूला है क्यू वॉल्यूम निकालने का, वो हम यूज़ करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल से. ओके, साथ ही साथ में जो यूनिट सेल है इसके वॉल्यूम से उसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है. अब यूनिट सेल का वॉल्यूम कहाँ से आएगा, हमारा यूनिट सेल हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, कैसा है, इट इज़ अ क्यूब, क्यूबिकल है, क्यूब के जैसा है. तो क्यूब का वॉल्यूम आप कैसा निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, LBH, इससे हम वो फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास में अगर यूनिट सेल के डायमेंशन है, मतलब हमारे पास में अगर क्यूब का एक भी साइड आ गया तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास में अगर जो एटम है इसका रेडियस आ गया तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. और नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमारे पास में जो प्रीवियस फॉर्मूला है ये हमको लेना है. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. ओके, सो इट इज अगेन, इट कम्स लाइक दिस, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स है, उस एटम का वॉल्यूम कितना है इससे मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो उसको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से. सो लेट अस फाइंड नाउ एक्चुअल एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर वेरियस स्ट्रक्चर्स. ओके, तो पहला हम लेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं. दिस इज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट इज़ हैविंग कॉर्नर एटम्स. ओके, 8 कॉर्नर एटम्स प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर ऑफ दिस
unit cell or this cube. Okay, now this A represents the distance between two atoms. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या जो लैटीज पैरामीटर है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइड ऑफ अ यूनिट सेल. ओके, अगर मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सो हाउ आई कैलकुलेट द वॉल्यूम नाउ? आई जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल और दिस पर्टिकुलर क्यूब इज ए क्यूब. सिंपल है. ओके, सो देर इज वन एटम एट एवरी कॉर्नर. ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस. नाउ हाउ दीज एटम्स ऑफ कॉर्नर आर प्रेजेंट देयर? दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. दिस वन इज कनेक्टेड विथ दिस वन, दिस वन इज कनेक्टेड विथ दिस वन, दिस वन इज कनेक्टेड विथ दिस वन. सो दिस स्पीयर इज टचिंग दिस स्पीयर. ओके, लेट्स स्टडी इट विथ मोर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. देखो यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाला एटम है, नाउ दिस इज दिस कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय अदर थ्री यूनिट सेल. इसको शेयर किया गया है तीन और यूनिट सेल से. आपको एज्यूम करना है दो टेबल टेनिस के बॉल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं. ओके, और ये दो जो बॉल्स हैं, इन दोनों बॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हमको क्या करना है? हाफ करना है. ओके, इसको हमको क्या करना है? हाफ. अब ये एक बॉल यहाँ पर आ गई, ये हमारा एक एटम है यहाँ पर प्रेजेंट, ये दूसरा एटम है. ओके, दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर हमको सिंपल है वो डिस्टेंस दिया हुआ, इट इज सिंपली गिवन ए. ओके, नाउ दिस ए इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम्स. सबसे नज़दीकी एटम्स ये दोनों हैं, या ये दोनों हैं, या ये दोनों हैं, या ये दोनों हैं. मतलब जो कॉर्नर का एक एटम आपने पकड़ा, उसके राइट का या लेफ्ट का जो भी एटम रहेगा, वो रहेगा उसके लिए सबसे नियरेस्ट एटम, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एटम्स इज द नियरेस्ट इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, नाउ ये डिस्टेंस को आपको क्या करना है? हाफ करना है. ओके, सो दिस ए इज सिंपली डिवाइडेड बाय टू, सो यू गेट द एटॉमिक रेडियस फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एज ए बाय टू. ओके, आर हमको मिल गया, ए बाय टू है. इन दोनों स्पीयर्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों स्पीयर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ए. ए को मैंने हाफ कर दिया तो मुझे मिल गया ए बाय टू, और यू कैन राइट इट लाइक दिस 0.5 ए. ओके, दिस इज वेरी सिंपल फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए बी. नाउ दिस इज कॉर्नर एटम्स, दिस इज फेस एटम्स, दिस इज इंटीरियर एटम्स. सो कितने कॉर्नर एटम है? आठ कॉर्नर एटम है. सो 8 डिवाइडेड बाय 8. फेस एटम कितने हैं? जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो. इंटीरियर वाले एटम्स कितने हैं? जीरो है, तो ये भी हो जाएगा जीरो. सो 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 1. सो एक यूनिट सेल में एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? इट इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. सो हम उसको इक्वल टू करेंगे. अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा? एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब एन ए वी. तो एन ए वी कितना है? 1 है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम. तो वॉल्यूम ऑफ दिस एटम, सिंगल एटम कैसा निकालेंगे? स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ एटम. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ दिस वन इज योर वॉल्यूम ऑफ एटम, दिस वन इज एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नथिंग बट ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए, दैट इज ए क्यूब. ओके, सो सिंपली डिवाइड दिस क्वांटिटी विथ ए क्यूब. सो यूल फाइंड आउट दैट इट इज 5/6 एंड द वैल्यू ऑफ इट इज 0.52. सो योर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज 0.52 फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन.
Now this atomic radius of this next one gets changed because the nearest atoms in the next structure is different. The nearest atom in this simple cubic structures are both corner atoms. Okay. Now all the figures are taken from William D. Callister book. You can refer that book also. Now next one is body centered cubic structure, that is BCC. In BCC there are 8 corner atoms, one atom present at each corner, and there is one center atom present here. Now this center atom is connected by your corner atoms. Now these corner atoms are not connected with each other. They don't, you can say that they are not the nearest atoms to each other. This corner is not nearest to this one. Okay. But here this center atom is nearest to a corner atom, because this corner atom is directly connected with this center atom. Because if you see the structure here, so this center atom is touching every corner atom, every corner atom. So if you want to find out the nearest distance, or if you find out if you want to find out the atomic radius, then the nearest atoms or the neighboring atoms, most neighboring atoms will be your center atom and any one corner atom. इसका कोई भी एक corner atom और center atom के बीच का जो distance है ये सबसे कम है, तो सबसे neighboring वाला जो है वो है हमारा एक corner और एक center. तो इस corner वाले atom का जो center रहेगा और इस corner वाले atom का जो center रहेगा और इस interior वाले atom का जो center रहेगा, इनके बीच के डिस्टेंस का हाफ रहेगा हमारा एटॉमिक रेडियस, जो कि हमको फाइंड आउट, जो कि हमको मिलता है √3a/4. ये हमको कितना मिलता है? √3a/4. ओके. अब ये हमको कैसा मिलता है? तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे इस क्यूब को ए बी सी डी. ये ऊपर का फेस का नाम दे दिया हमने, ये नीचे वाले फेस का नाम ई एफ जी एच. ओके. सो टू फाइंड आउट दिस एटॉमिक रेडियस, नाउ कंसिडर दिस प्लेन ए ई जी सी. ये जो डायगोनल प्लेन है ना, बड़ा रेक्टेंगुलर वाला डायगोनल प्लेन है इसके बीच का. ओके. नाउ कंसिडर दिस डायगोनल प्लेन ए सी और जी ई. ओके. सो ए सी जी ई, इस डायगोनल प्लेन को जब आप कंसिडर करते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो स्पीयर है ये सेंटर में है. नाउ दिस एटम इज एट सेंटर, और इससे कनेक्टेड ये कॉर्नर वाले चार हमारे कॉर्नर एटम्स. तो ये कॉर्नर एटम्स का तो रेडियस हमको पता है कितना है, आर है. साथ ही साथ में इसका जो डायमीटर है वो भी हमको पता है, 2r है. ओके. नाउ दिस वन इज ऑल्सो आर. ओके. सो ये पूरा जो डायगोनल है, या ये जो पूरा जो डायगोनल है, ये कितना हो जाएगा? दिस ए जी विल बी योर आर प्लस 2r प्लस आर. सो इट इज 4r. सो ए जी हमको मिलता है 4r. ओके. नाउ टू फाइंड आउट दैट थिंग विल कंसिडर दिस ट्रायंगल ए ई जी. ए ई जी, ये जो खड़े प्लेन में का ट्रायंगल है ये हमको कंसिडर करना है. ए ई जी, ए ई पता है आपको कितना है, दैट इज ए, बिकॉज हियर इट इज गिवन ए. सो यू नीड टू फाइंड दिस ए जी एज वेल एज ई जी. ओके. सो ए जी इज नोन टू यू. ए जी कितना है? आर प्लस 2r प्लस दिस r, दैट इज योर 4r. सो यू नीड टू फाइंड दिस eg. ओके. नाउ वी कैन फाइंड आउट दिस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. देन अगेन कंसीडर अनादर ट्रायंगल, दैट इज योर बॉटम फेस ट्रायंगल. दिस वन इज EFG. ओके. नाउ दिस ट्रायंगल व्हिच इज प्रेजेंट इन द बॉटम प्लेन, जो बॉटम का फेस है या जो बॉटम का प्लेन है, इसमें ये प्रेजेंट है ई एफ जी. ई एफ जी. सो इसमें ई एफ आपको पता है, ई एफ कितना है? ए है. इसमें जी एफ आपको पता है कितना है? ए है.
ना यू वॉन्ट टू फाइंड आउट अगेन ई जी हियर, हमको दोनों भी जगह पर ई जी फाइंड आउट करना है। सो ये इसके मदद से अगर हम ई जी कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, फ्रॉम फिगर वन यू कैन एज्यूम दैट दिस ए जी इज इक्वल्स टू वॉट 4 आर, फ्रॉम फिगर टू यू विल फाइंड दैट ई जी इज इक्वल्स टू 2 a square, सो दिस वन सॉरी ई जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 a square, सो योर ई जी इज रूट टू ए, योर ई जी इज रूट टू ए, एंड फ्रॉम फिगर वन अगेन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए जी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 a square। इन टर्म्स ऑफ ए यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए जी, इन टर्म्स ऑफ ए इट इज 3 a square, ओके, बिकॉज वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ ई जी विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल, इट इज रूट टू ए, देन दिस वन इज ए, सो इफ यू कैलकुलेट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो दिस इज योर ए जी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर, सो ए ई स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर, ई जी स्क्वायर इज नथिंग बट 2 a square, सो 2 a square प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 a square। नाउ इन टर्म्स ऑफ ए द वैल्यू ऑफ ए जी इज 3 a square। नाउ इफ यू कंपेयर दिस 3 equations यू विल कम टू नो दैट दिस 4 r एंड दिस 3 a square कैन बी कंपेयर्ड विथ ईच अदर एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। सो यू इफ यू कंपेयर ए जी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 r square विच इज अगेन इक्वल्स टू 3 a square, एंड इफ यू रिड्यूस दिस, इफ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू विल कम टू नो दैट दैट इट इज 4, दिस इज योर 4 r इक्वल्स टू रूट 3 a, एंड वेन यू टेक दिस 4 टू दिस साइड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r एंड विच इज इक्वल्स टू रूट 3 a/4। सो दिस इज योर एटॉमिक रेडियस फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सॉरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। ओके, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस कैलकुलेशन, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू, बट यू शुड नो हाउ वी हैव कम टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, बिकॉज इन सिंपल क्यूबिक द नियरेस्ट एटम्स वेयर दिस टू और एनी टू कॉर्नर एटम्स वेयर द नियरेस्ट वन, बट फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक द नियरेस्ट वंस आर द सेंटर एंड कॉर्नर एटम्स। सिमिलरली फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर द नियरेस्ट एटम्स विल ऑल्सो गेट चेंज्ड। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नाउ इन दिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर देर आर 8 corner atoms, सो 8/8 प्लस नो फेस एटम्स, सो 0/2, बट देर इज वन body centered means center atom, so 1/1, so you will get the value of average number of atoms per unit cell to be 2. This is 2 for BCC. Now similarly calculating atomic packing factor, you get the atomic packing factor equals to 0.68. okay, it is equals to 0.68. now let us calculate both the things for your phase centered cubic structure. Now for face centered cubic structure, the nearest atoms are face atom and a corner atom. Here also the corner atoms are far away as compared with the face and corner atom. Okay, if you compare this face atom with this corner atom, so they are the nearest one. Okay, so they are the nearest one. Now if you calculate in similar way as we have calculated for body centered cubic structure, the value of atomic radius will come as root 2a/4, root 2a/4. Okay, now we want to calculate next thing is number of atoms per unit cell. So we have 8 corner atoms, so 8/8 is 1, then 6 face atoms now, so 6/2, and no interior or center atoms, so 0/1, so your atomic packing factor comes to be 4.
sorry, your number of atoms are 4. Number of atoms per unit cell. एक unit cell में कितने average atom है? Average. Okay. So 4 average atoms present है. So अगर हम atomic packing factor calculate करते हैं, so this is 0.74. This is 0.74. Okay. And similarly for your hexagonal closed pack structure, the atomic radius is a by 2. It is a by 2 because the nearest atoms are these two. The nearest atoms are these two, and therefore your atomic radius is a by 2. Okay, your atomic radius is again a by 2 for hexagonal closed pack structure. But here there is a difference in the formula of number of atoms per unit cell. Average number का जो formula है इसमें फर्क है. Okay, hexagonal के लिए यहाँ पर जो corner atoms है इसको divide करना है 6 से. वही हम cubic के लिए इसको divide करते हैं 8 से. तो यहाँ पर आपको divide करना है 6 से. So कितने corner atoms है? 6 इस corner पे, 6 नीचे वाले corner पे, मतलब 12. So 12 by 6 plus कितने face atoms है? ये face पर एक और ऊपर वाले face पर एक. So, दो फेस एटम्स और कितने बॉडी एंड इंटीरियर एटम्स हैं? एक, दो और तीन. सो 3/1. सो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6 हैं. और सिमिलरली इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अगर हमने कैलकुलेट किया, इट इज इक्वल्स टू 0.74. सो APF फॉर HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक, and for FCC is same, that is 0.74. okay, now this is all about atomic radius, number of atoms per unit cell, atomic packing factor. Okay, but there is one thing remaining, and that is coordination number. So what is coordination number? Coordination matlab kya, hum kisi ke sath to bhi coordinate kar rahe hain. Okay, something is being coordinated between some atoms, कुछ atoms के बीच में coordination है. So it is defined as the number of nearest or equidistance, मतलब equal distance पे जो atoms है, it is defined as the number of nearest or equidistance atoms which are directly surrounding a given atom. अगर हम एक reference atom पकड़ते हैं तो इससे सबसे नज़दीक वाले इक्वल डिस्टेंस पे के जितने एटम्स रहेंगे, इस एटम्स को बोला जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर जब बड़ा रहता है, इट इज़ सेड टू बी क्लोजली पैक्ड. वो स्ट्रक्चर को क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है. अब लेट्स लर्न दिस कोऑर्डिनेशन नंबर विद द हेल्प ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. देखो, अगर मैं ये लैटिस कंसीडर करूँ, दिस इज अ लैटिस, कंसीडर करने के बजाय दिस इज अ लैटिस. ओके, ये किसका लैटिस है, किसका स्पेस लैटिस है, किसका 3D डायग्राम है? ये 3D डायग्राम है हमारे यूनिट सेल का. कौन सा यूनिट सेल? तो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो इसमें 8 कॉर्नर एटम्स रहते हैं. तो इस सिंपल क्यूबिक का ये क्या है, बड़ा वाला वर्जन है जिसको हम लैटिस बोलते हैं. सो दिस इज यूनिट सेल कनेक्टेड विथ अनदर यूनिट सेल, अनदर यूनिट सेल इज कनेक्टेड, अनदर यूनिट सेल इज कनेक्टेड, एंड देर आर सम मोर यूनिट सेल कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, दिस इज अ स्पेस लैटिस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. अब इसमें जो सबसे नज़दीक के एटम्स है वो कौन से एटम्स रहते हैं? कॉर्नर के एटम्स रहते हैं. यस, दैट वी नो. ओके, अगर मैं कोई भी एक एटम रेफरेंस के लिए लूँ, जैसे कि ये बीच वाला एटम लेता हूँ मैं. ओके, स्पेस लैटिस का ये एटम अगर मैं रेफरेंस के लिए लूँ, तो इससे सबसे नज़दीकी वाले एटम्स कितने हैं? ओके, सबसे नज़दीक के एटम्स कितने हैं इसको, तो वो नंबर रहेगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर. सो ये सेंटर में एक, अगर सेंटर बोलने के बजाय ये अगर मैं रेफरेंस एटम पकड़ूँ, तो इससे सबसे नज़दीक वाला कौन सा है? पहला उसके इस साइड में का, बराबर है, उससे नेक्स्ट कॉर्नर में का जो है
उससे राइट वाले नेक्स्ट कॉर्नर का, उससे ये वाले नेक्स्ट कॉर्नर का, उससे ये वाले नेक्स्ट कॉर्नर का, उससे ऊपर वाले नेक्स्ट कॉर्नर का और उससे नीचे वाले नेक्स्ट कॉर्नर का। तो ऐसे हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक के लिए जो सबसे नियरेस्ट इक्वल डिस्टेंस के जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे 6 एटम्स हैं। तो इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आ जाएगा 6। ओके, सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ इफ यू कैलकुलेट और इफ यू गो फॉर योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, सो दिस इज डिफरेंट। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफरेंट। सो फॉर सिंपल क्यूबिक इट इज 6। इफ यू फाइंड सिमिलरली फॉर बीसीसी इट इज 8। उसको 8 सबसे नज़दीक है क्योंकि उसके सेंटर में भी एक एटम आ जाता है। देन योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एंड फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक इट इज 12। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर वेरियस स्ट्रक्चर। सो इफ इट इज आस्क व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, यू कैन सिंपली राइट दिस 6, 8, 12, 12। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। Please stay home, stay safe, and keep learning. Thank you.